नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको कछुए के विषय में कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिस उपाय के द्वारा आप कछुए से धन वर्षा कर सकते हो। आप कछुए के द्वारा धन प्राप्त कर सकते हो और धन की बरसात करा सकते हो। आप कछुए के प्रयोग और कछुए की शक्ति से धन की बरसात करा सकते हो। आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। कछुआ बेहद ही रहस्यमयी प्राणी है। आपको मैं बता दूं, पूरे प्राणी जगत में कछुआ ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सबसे ज़्यादा जिंदा रहता है। इसकी उम्र लगभग 300 साल बताई गई है। सही मायने में कछुए को हम आदि जीव या पुरातन जीव कह सकते हैं। आज भी यूरासिक समय के जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उनमें कछुए जैसे जीव के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कछुआ कितना आदि और पुराना जीव है। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ में इसका काफ़ी उल्लेख मिलता है। तांत्रिकों द्वारा कछुआ सदा ही एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहा है। अमृत मंथन के समय हमें कछुए की कथा सुनने को मिलती है। यहाँ पर मैं आपको पहले जानकारी देना चाहता हूँ कि दरअसल जिसे हम कछुआ अवतार या फिर मत्स्य अवतार मानते हैं, ये शुरुआत में ब्रह्मा के अवतार माने जाते थे, पर आगे चलकर इन दोनों अवतारों को विष्णु अवतार कहा जाने लगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप कछुए के द्वारा धन वर्षा कैसे कर सकते हो। इसके लिए जिस सामग्री की जरूरत पड़ेगी उसमें सबसे पहले तो आपको 20 नखूनों वाले कछुए की जरूरत पड़ेगी। दूसरे आपको 2 ओझाओं की जरूरत पड़ेगी या 2 तांत्रिकों की जो अपने आप में बहुत अच्छी जानकारी रखते हो। इस क्रिया को करने के लिए अमावस का दिन ही सर्वोत्तम माना गया है। आप सबसे पहले क्या करें कि अमावस वाले दिन किसी ऐसे कछुए को लाएं जिसकी 20 नखून हो। उसके बाद उस कछुए को लाके आप अच्छी तरह से गंगा जल में धोएं और फिर साफ पानी से धोने के बाद फिर से उसे दूध से धोएं और उसके बाद फिर से साफ पानी से धोएं। उसके बाद उसे जो भी कुछ आपको खाने पीने को डालना हो या कुछ खाना चाहे तो आप उसको खाने पीने को दे सकते हो। उस पर थोड़े से फूल चढ़ाएं और उसे संदूर का तिलक लगाएं, थोड़ी धूप बत्ती और दीप दिखाएं। उसके बाद उसे पानी में छोड़ दें। अपना टब जो भी आपने भर के रखा हो या फिर जो भी पानी का बर्तन हो उसके अंदर आप छोड़ सकते हो। फिर जो भी आपका तांत्रिक हो या फिर जो आपका कारीगर हो जो इस काम को करने के लिए बुलाया गया हो उसको आप कहते हैं, मतलब बुलाकर उसको काम करने के लिए कह सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो तांत्रिक होता है, ये पहला जो तांत्रिक होता है उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो कछुए के ऊपर जिंद की सवारी करवाता है, यानी कि वो अपने मंत्रों से या अपनी शक्ति से कछुए के ऊपर जिंद को आमंत्रित करता है और जिंद उसके ऊपर सवार होता है। और जैसे ही वो जिंद उसकी सवारी करता है तो अपने आप कछुआ जैसे जैसे चलना शुरू करता है तो वैसे वैसे नोट आने या नोटों की गड्डियाँ आने कहते हैं कि शुरू हो जाती है, जो मेरी जानकारी के मुताबिक है। मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, पर जो मुझे जानकारी मिली है मैं सिर्फ उस जानकारी को आप तक पहुंचा रहा हूं। हाँ, यहाँ पर एक बात और मैं बता देना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत खास ध्यान देने की है कि जो तांत्रिक कछुए के ऊपर जिंद का सवारी करवाता है या जिंद के ऊपर कहते हैं इस तरह की शक्तियों का प्रयोग करता है, तो होता क्या है कि अगर वो नौसिखिया हो या अपने काम में कच्चा हो और अगर वो इसको मंत्रों से या अपनी शक्ति से संभाल ना पाए तो कई बार ऐसा होता है कि ये कछुआ उस वेग को या उस एनर्जी को संभाल नहीं पाता। और ऐसा हो सकता है, संभावना रहती है इसमें, मतलब ये बताया गया है कि कई बार कछुआ उस शक्ति से फट जाता है। और फटने के बाद क्या होता है कि जितने भी लोग इस काम को करने के लिए वहाँ बैठे होते हैं उन सबकी कितने मृत्यु हो जाती है। ये इतना खतरनाक काम है, इसलिए किसी भी सूरत में इस तरह के कामों को करने से पहले 100 बार बहुत अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि इन चीज़ों में हाथ डाला जाए या ना डाला जाए और ये डालना कितना खतरनाक है और कितना बुरा है। इसलिए कभी भी इस तरह की चीज़ों में हाथ डालने से अच्छा मैं तो यही कहूँगा कि आप शांति से अपनी मेहनत से चीज़ों को कमाएं, ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ने के बजाय। बस मेरा मकसद आपको कितनी जानकारी देना है सो मैं दे रहा हूँ। चलिए हम अपने विषय की तरफ वापस चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो तांत्रिक होता है उसका काम क्या है, प्रश्न उठता है। तो दूसरे तांत्रिक का काम क्या होता है, जब पहला तांत्रिक कछुए के द्वारा
ये नोटों को मंगा लेता है या धन को मंगा लेता है, तो दूसरे तांत्रिक का काम यहाँ से शुरू होता है। अब वो क्या करता है कि जिंद को वापस धन ले जाने से या नोटों की गड्डियाँ ले जाने से रोकता है। अब यहाँ पर जो दूसरा तांत्रिक है वो अपने मंत्रों से, अपनी शक्ति से उस द्वार को या उस सिस्टम को कहीं ना कहीं एक तरह से हैक कर लेता है। आप शुद्ध भाषा में इसको समझ सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिस एनर्जी को धन लाने के लिए कहा गया था, अब वो वापस जो कहते हैं रास्ता बना था धन वापस लौटाने का, उस रास्ते को एक तरह से अवरोध कर देता है या बंद कर देता है। तो वो जो धन होता है वो इसी मतलब ब्रह्मांड के अंदर एक तरह से बंध के रह जाता है या यहीं के यहीं मौजूद रह जाता है। अब वो उस वापस नहीं जा सकता, तो वापस नहीं जा सकता तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। पर इसमें बहुत सारी ऐसी संभावनाएं या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे तो कहीं ना कहीं जैसे बहुत कम ऐसे लगता है कि चांस है, इसमें झूठ बहुत ज़्यादा लगता है। 99% ऐसा लगता है कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं झूठ लगती हैं, क्योंकि मैंने ऐसा सुनने में आया है और ऐसा बातों में पता भी चला है कि लोग इस तरह के काम करवाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों की भी बहुत बड़ी बड़ी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले तो अगर आप भाई किसी ऐसे कछुए को ही ढूंढें तो उसकी बहुत बड़ी और बहुत ऊँची कीमत देने को लोग तैयार हैं। दूसरा, ऐसे जो तांत्रिक अपने आप को बताते हैं या बने फिरते हैं या ओझा ऐसे बने फिरते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि इस बहाने से अपना धंधा पानी चलाते हैं और अपना मुर्गा दारू इस तरह की इन्हें खाने पीने को मिलती रहती है कि आप इसको बुलाओगे, क्योंकि इनका कोई गारंटी नहीं है। वो खुद कहते हैं कि भाई कोई गारंटी नहीं है, 99% कोई गारंटी नहीं है। जब कोई गारंटी ही नहीं है 99%, तो फिर किसी चीज़ की आपको कहते हैं भाई जिम्मेवारी तो लेनी नहीं है। ये लोग आते हैं और अपनी सेवा पानी कराते हैं, अपना खर्चा पानी भी लेते हैं, क्योंकि वहाँ तक आएंगे तो अपना किराया भाड़ा भी लेंगे, बहाने से अपना थोड़ा बहुत खर्चा पानी भी लेंगे। फिर इनके दारू मुर्गा भी चलता है कि भैया खाने पीने का भी इनको चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए। तो उस आड़ में इनके बहुत से धंधे चलते रहते हैं और बहुत उल्टे सीधे काम भी चलते रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, इस तरह की चीज़ों से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है। पर हाँ, मुझे जानकारी हुई तो मैंने आप तक पहुँचा दी। अब मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि भाग्य से पहले और वक्त से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तंत्र क्रिया या तांत्रिक जो भी चीज़ें हैं उसमें ये बात सच है कि बहुत सारी एनर्जी होती है और नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो अपने तरीके से काम करती है। किसी जीप से इस तरह से धन प्राप्त करने के बजाय तो मैं ये कहूँगा कि आप कछुओं की देखभाल करें, उसे अपने घर में पालें, वो ज़्यादा पॉजिटिव है, उससे शायद आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि कछुए की अपनी एक एनर्जी होती है जो पॉजिटिव काम करती है। आप अपने घर में इसे पालें, आप इसको कहते हैं खाने पीने को दें और इसका अच्छा देखभाल करें, तो उससे आपको पॉजिटिव लाभ होंगे। और इस तरह की चीज़ों से तो मैं यही कहूँगा कि आप दूर रहें। हर जीव में कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी होती है, बशर्ते हम उसे ढूंढ सकें और उसका सही मायने में उपयोग कर सकें। आप यकीन मानिए, अगर आप जीवों को पालते पोसते हो या उन पर दया दिखाते हो तो आपको पॉजिटिव एनर्जी हर कीमत पर प्राप्त होती है। यही प्रकृति का नियम है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।